हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं क्षार धातु के रासायनिक गुण। देखिएगा, जब भी अपन क्षार धातु के रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले बात आती है जल के प्रतिक्रियाशीलता, कि यहाँ पर जल के प्रतिक्रियाशीलता को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जब भी क्षार धातुओं को जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मेटल रिएक्ट कर रहा है, क्रिया कर रहा है H2O जल के साथ, तो यह M+ और OH- में अपने आयंस को बनाएगा और यहाँ पर MOH का फॉर्मेशन कर लेता है और यहां जो है वो H2 हाइड्रोजन गैस का निष्कासन किया जाता है। तो देखिएगा, M यहां पे अल्कलाई मेटल है, क्षार धातुएं हैं। देखिएगा, जब भी इस अभिक्रिया में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बहुत परिवर्तन होता है जिससे अधिक ऊष्मा का निष्कासन होता है। जैसे लिथियम की बात करें, Li, तो यह जल के दो अणुओं के साथ ये रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, आयंस का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पर, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। तो देखिएगा, यहाँ पर 2Li रिएक्ट कर रहा है 2H2O के साथ, क्लियर, जिससे 2Li+ का फॉर्मेशन हो गया प्लस 2OH- का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ओके, देखिएगा, यहां पर जैसे ही अपन बात करते हैं 2Li+ 2H2O फॉरवर्ड रिएक्शन LiOH के 2 मोल यहां पर बन रहे हैं, ओके, और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। तो अपन कह सकते हैं इस अभिक्रिया में क्षारीय हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं, इसलिए फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। क्लियर, लिथियम सोडियम की तुलना में जल के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है? यह आपका एक क्वेश्चन है कि लिथियम जो धातु है वो सोडियम की तुलना में जल के प्रति कम क्रियाशीलता क्यों दर्शाता है। तो देखिएगा, जैसे अपन बात करते हैं आंसर की, तो अपन कह सकते हैं कि लिथियम का आकार सोडियम की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है तथा उच्च जलयोजन ऊर्जा रखता है। जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा होता है। फिर देखिएगा, सोडियम के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है जल, तो अपन कहेंगे कि जब जल में सोडियम को डाला जाता है तो सोडियम के टुकड़े जल की सतह पर तीव्रता से गति करते हैं, ठीक है, और सोडियम क्रिया कर घुल जाता है। धीरे धीरे गति करता हुआ सोडियम जो है वो जल के भीतर मलन हो जाता है या घुल जाता है, ठीक है, मलिन हो जाता है यूं भी कह सकते हैं अपन, और जल के यह गोलाकार चमकीला बॉल जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, गोलाकार चमकीला बॉल जैसा। ओके, देखिएगा, निम्न अभिक्रिया की समीकरण क्या है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O, ये H2 हाइड्रोजन। आंसर देखिएगा यहां पर कि 2 अणु सोडियम क्रिस्टल लिए सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड 2 मोल ऑफ वाटर। फिर यहां पर अपन बात करते हैं 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में,
बनता है, तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है जल के साथ और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। फिर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ वाटर, पोटेशियम के साथ वाटर की रिएक्शन देखते हैं। जब जल में पोटेशियम को डाला जाता है तो यह लिलेक फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम होती है? ये लिलेक फ्लेम होती है, ओके। और ये पोटेशियम जो है वाटर के कांटेक्ट में आते ही लिलेक फ्लेम के साथ ये जलना स्टार्ट कर देता है। पोटेशियम पानी की सतह पर तीव्रता से गति कर अभिक्रिया करता है। पोटेशियम जो है वो पानी की सतह पर तीव्रता से गति करता है और अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम की भांति पोटेशियम भी ऊष्मा निष्कासित कर घुल जाता है और यहां पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट होती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। क्षार धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता वर्ग में लिथियम से सीजियम तक जाने पर बढ़ती है, और जब क्षार धातुओं की जल के साथ क्रियाशीलता की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। निम्न अभिक्रिया की समीकरण क्या है? तो अब देखिएगा, जो पोटेशियम है वो वाटर के साथ क्रिया कर रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसकी रिएक्शन जो हो जाएगी वो है आपके 2K सॉलिड फॉर्म प्लस 2H2O लिक्विड फॉरवर्ड रिएक्शन 2OH, ये 2KOH एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखिएगा यहां पर। निम्न में से कौन एक जल में जल ग्रहित नहीं किया जा सकता? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल ऑफ दीज। तो यहां आ जाएगा सभी, क्योंकि जल ग्रहित का मतलब है संग्रहित, स्टोरेज। तो इनका जल के साथ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण इनको जल में नहीं रखा जाता, इनको केरोसिन या फिर वैक्स में रखा जाता है। लिथियम जल के साथ कम क्रियाशील क्यों है? देखिएगा, छोटे आकार और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी, स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, लार्ज साइज और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी, लार्ज साइज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा उच्च होता है और छोटा आकार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कम क्रियाशीलता दर्शाती है? तो अपन बात कर सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? लिथियम। और अभी अभी इसका रीजन भी पढ़ा है, छोटा आकार और जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होना। क्षार धातुओं के रासायनिक गुणों में कुछ रासायनिक गुण और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। देखिएगा, हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। अब देखिएगा, क्षार धातुएं हाइड्रोजन से किस तरीके से रिएक्ट करती है वो देखते हैं अपन। क्षारीय धातुएं हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन ताप पर क्रिया कर हाइड्राइडो का निर्माण करती हैं, लेकिन लिथियम जो है 1073 केल्विन ताप पर ये क्रिया करेगा। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल जो क्षार धातुएं हैं लिथियम को छोड़कर वो 673 केल्विन ताप पर हाइड्राइडो का निर्माण कर देते हैं। सभी क्षार धातुओं के हाइड्राइड आयनिक ठोस होने के साथ गलनांक बिंदु उच्च होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इनके जो हाइड्राइड बनेंगे वो आयनिक ठोस होंगे, आयनिक सॉलिड होंगे, और इसी वजह से इनके गलनांक जो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, वो हाई होते हैं, उच्च होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं कि धातु और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं और M प्लस और H माइनस हाइड्राइडो का निर्माण कर लेते हैं। हेलोजन के प्रतिक्रियाशीलता, हेलोजन के प्रतिक्रियाशीलता की बात करते हैं अपन। देखिएगा यहां पर जैसे ही बात की जाती है कि क्षार धातुएं हेलोजन के या हेलोजन से शीघ्र प्रबल अभिक्रिया करके आयनिक हैलाइड M प्लस X माइनस बनाती हैं या MX बनाती हैं। हालांकि लिथियम के हैलाइड आंशिक रूप से कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, उनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। इस कारण ध्रुवण क्षमता उच्च होती है और यही कारण है कि लिथियम की जो है वो ध्रुवण क्षमता पोलराइजेशन जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। अब आपको पूछ लिया जाए कि ध्रुवण क्षमता क्या है, तो देखिएगा धनायन के कारण ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र का विकृत होना ध्रुवणता कहलाता है। ध्रुवणता होता क्या है, तो देखिएगा जैसे एक कोई धनायन है, छोटे आकार का धनायन है और एक ऋणायन है, ये क्या है, बड़े आकार का। तो ये क्या होगा, जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा धनायन, इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, धनायन अपना छोटा आकार होने के कारण ऋणायन के आकार में विकर्ता उत्पन्न कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऋणायन के आकार में क्या हो गई, विकृता उत्पन्न हो गई, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि इसका आकार जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, धनायन के आकार के बराबर आ जाता है एक साइड से, कंप्लीट नहीं होता एक साइड से, जिससे आकार जो है, देखो जैसे ये धनायन है, ठीक है, और ये ऋणायन है बड़ा आकार, ये ऋणायन, तो ये भी क्या होगा, इसके आकार में सम्मिलित हो जाता है ऐसे, ये देखो यहां से, ओके। तो ये क्या है, विकृत गुण उत्पन्न कर रहा है ऋणायन में, ओके। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवणता कहा जाता है, मतलब धनायन के आकार के कारण ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र का विकृत होना क्या कहलाता है, विकृता उत्पन्न हो गई ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे किस साइड आ गए, इधर आ गए और इस शेप में आ जाते हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अभ्र आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो इस साइड आ जाती है, इस साइड से, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन अभ्र हो जाता, तो धनायन ऋणायन क्या आ गया, कॉन्टेक्ट में आ गया, इसी वजह से इनमें अट्रैक्शन प्रबल आकर्षण हो जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, अपन कह सकते हैं यहां पर कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो आप बता सकते हैं ध्रुवणता क्या है। अभी अभी अपन ने बात की है कि धनायन के कारण ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र का विकृत होना ध्रुवणता कहलाता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, क्लियर। लिथियम आयन का आकार छोटा होता है, अतः यह हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करने की अधिक क्षमता दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि बड़े आकार का ऋणायन आसानी से विकृत हो जाता है, इसलिए लिथियम आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति सबसे अधिक दर्शाते हैं। क्योंकि देखिएगा जब भी अपन बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहां पर बात करेंगे कि लिथियम LiF की, फिर LiCl की, LiBr की और LiI की, तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक कैरेक्टर जो है वो किस में होगा, LiI में, लिथियम आयोडाइड में। क्यों, क्योंकि आयोडीन का आकार सर्वाधिक होता है और विकृता सबसे ज्यादा मिलेगी, ओके।
क्षार धातुओं को जब ज्वाला में गर्म कर जलाने और क्लोरीन मिलाने पर यह धात्विक क्लोराइडों का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, धात्विक क्लोराइडों का निर्माण करती है। तब जब क्षार धातुओं को ज्वाला में गर्म कर जलाया जाए और क्लोरीन मिलाया जाए, ठीक है, जैसे लिथियम क्लोरीन, तो लिथियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इनके धात्विक प्रकृति बढ़ने से इनके हाइड्राइडों के आयनिक गुण व बंध लंबाई बढ़ती है। इनके जो धात्विक प्रकृति है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनके आयनिक गुण और बंध लंबाई का मान भी बढ़ता है। तो हाइड्राइडों के आयनिक प्रकृति का जो क्रम है वो हो जाएगा आपके लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। तो सीजियम हाइड्राइड का जो आयनिक गुण है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? ओके। सोडियम और पोटेशियम के हाइड्राइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के जल में इनकी उपलब्धता होती है। सभी धातुओं के हैलाइड फलक केंद्रित घनीय जालक होते हैं। कैसे होते हैं? फलक केंद्रित घनीय जालक होते हैं। अपवाद स्वरूप सीजियम के हैलाइड, सीजियम के हैलाइडों की जो जालक की स्ट्रक्चर है वो फलक केंद्रित नहीं होती। ये अच्छे विद्युत अपघटे और जलीय तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे सुचालक भी माने जाते हैं। तो अपन कहेंगे कि जो हैलाइड होते हैं वो विद्युत अपघटे के रूप में काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में और मेल्ट फॉर्म में, मतलब जलीय और गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। समुद्री जल में कौन सा हैलाइड पाया जाता है? NaCl, LiCl, RbCl और CsCl। तो NaCl, ओके। क्षारीय धातुओं के हाइड्राइडों की प्रकृति होती है। क्षार धातुओं के हाइड्राइडों की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होती है क्या? कोलेंट या न्यूट्रल, क्रिस्टल? तो यहां पर इनका जो स्ट्रक्चर हो वो आयोनिक स्ट्रक्चर हो जाता है नेचर में। निम्न में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक सहसंयोजक गुण रखता है? तो अपन कह सकते हैं कि LiF, LiCl, LiBr और Li। तो इसमें लिथियम आयोडाइड में सहसंयोजक कैरेक्टर सर्वाधिक होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।